डायन एक ऐसी खतरनाक शक्ति जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों ने डायन को देखा या फिर महसूस भी किया होगा। डायन या फिर कहें चुड़ैल, ये दोनों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अस्तित्व को अक्सर हम में से अधिकतर लोग मजाक उड़ाते हुए नकार देते हैं। वैसे मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, ये सभी ऐसी बुरी शक्तियों वाले इंसान या फिर आत्माएं होती हैं जिनसे एक बार सामना होने पर हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाते। और आज इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए हर एक सवालों के जवाब ढूंढ कर लाए हैं कि आखिर डायन और चुड़ैल होती क्या है, आखिर कैसे कोई औरत या फिर मर्द डायन बनते हैं, इनकी जरूरत क्या होती है, और डायन बनने के पीछे इनका मकसद क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक डायन अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर देती है। यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि डायन और चुड़ैल में अंतर क्या है। दोस्तों, आप लोग भी इस बात को मानते आए होंगे या फिर सुनते आए होंगे कि चुड़ैल और डायन सिर्फ और सिर्फ बुरी ही होती है, जिसका काम लोगों को तकलीफ देना, लोगों को भ्रमित करना और लोगों को मारना होता है। लेकिन यकीन मानिए, हमें जो दिखता है और जो हम सुनते हैं हमेशा वही सही नहीं होता। एक औरत के लिए एक आम इंसान से उठकर डायन और चुड़ैल बनने तक के सफर के अधिकतर मामलों में सिर्फ और सिर्फ इस समाज का ही हाथ है। अक्सर हमारे समाज में किसी न किसी महिला का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कभी दहेज के लिए किसी पत्नी को या फिर बहू की हत्या कर दी जाती है। कभी बच्चे को जन्म देते वक्त किसी औरत की मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी समाज से परेशान होकर कोई औरत आत्महत्या कर लेती है। ऐसी स्थिति में संभव होता है वो औरतें चुड़ैल का रूप ले लें। वहीं दूसरी तरफ जब किसी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा हो, इस वजह से उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उस औरत को अजीबोगरीब नजरों से देखा जाता है, उसे धुतकारा जाता है। यही औरतें काले जादू के चंगुल में आकर डायन का रूप ले लेती हैं, यानी कि मरने के बाद चुड़ैल और मृत्यु से पहले डायन। डायन बनती कैसे है? अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नजर समाज में अलग थलग पड़े होने वाली औरतों पर रहती है। ऐसी औरतों को वो अपनी जाल में फंसाते हैं और अपने काम को कराने के लिए उनका उपयोग करते हैं, और क्योंकि समाज उन्हें पहले से अकेला छोड़ देता है, ऐसी औरतें बहुत आसानी से तांत्रिकों और डायनों के चक्कर में पड़ जाती है। जैसे कि उन तांत्रिकों को कोई भी ऐसी औरत मिलती है, वो उन औरतों को डायन विद्या सिखाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी खतरनाक विद्या होती है जिसे सीखने के बाद कोई भी एक पल में भी किसी की हत्या कर सकता है। अगर कोई औरत इस विद्या को सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है, और कोई पुरुष सीख ले तो उसे डैया कहा जाता है। धीरे धीरे वो औरत या फिर पुरुष डायन विद्या में इतना लीन हो जाता है कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो क्या से क्या बन चुके हैं। डायन विद्या सीखने के बाद उनमें समाज के लोगों के प्रति जलन और नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, डायन लोग माता काली की सेविका होती है और इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब इन्हें समाज के किसी लोग से बदला लेना होता है या फिर किसी को परेशान करना होता है, तो उसके घर के दरवाजे के नीचे अपने महावारी वाले कपड़े को गाड़ देती है, जिससे उस घर में कोई भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है, और इनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक उस परिवार को परेशान करता रहता है। कैसे होती है डायन विद्या की साधना? जब कोई औरत या पुरुष डायन विद्या को अच्छी तरह से सीख लेता है, तो उसके बाद दीपावली का दिन उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। इनकी साधना बहुत ही सीक्रेट तरीके से होती है। सबसे पहले वो दीपावली वाले दिन पूरे गांव को या फिर अपने पूरे मोहल्ले को मंत्रों से बांध देती है, ताकि उस दिन मोहल्ले वालों को जल्दी नींद आ जाए। इसके बाद वे लोग जंगल या फिर शमशान में 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर एक गोला बना लेते हैं, और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर अपने मलमूत्र को अपने शरीर और जमीन पर लेप कर कमर में झाड़ू बांध कर रात भर नाचती है, और ऐसा करके वो अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। क्यों करती है पति या बेटे की हत्या? अक्सर देखा यह कहा जाता है कि जो भी औरत डायन होती है वह जरूर अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर चुकी है, या फिर किसी रहस्यमय तरीके से उसके बेटे या फिर पति की मौत हो चुकी है। दरअसल जब एक औरत या फिर पुरुष डायन विद्या को सीखते हैं, तो उसके बाद इनके गुरु सिद्धि के लिए बलि की मांग करते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या वो इस विद्या के लिए अपने सबसे प्यारी चीजों का बलिदान दे सकती है या फिर नहीं। उनका गुरु पत्नी या फिर बेटे की बलि मांगता है, और अगर वो औरत ऐसा करने से मना कर दे तो तंत्र मंत्र सीखने वाली ये महिला पागल हो जाती है।
और अगर हाँ कह दिया जाए तो बलि के लिए चुने गए शख्स की अचानक से मृत्यु हो जाती है। सिद्धि के बाद प्रयोग। जैसे एक डायन किसी की बलि देकर अपनी डायन विद्या को सिद्ध कर लेती है, उसके बाद वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो पेड़ पौधे पशु पक्षी पर अपने तंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद वो किसी पड़ोसी या फिर परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद लगातार नजर लगाए रखती है कि उसके मंत्रों का असर हो रहा है या फिर नहीं। भूतों से पड़ती है पिटाई। बहुत से विशेषज्ञों और जानकारों का कहना है कि डायन विद्या को बहुत कम लोग ही सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वालों का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। उनकी ना तो जिंदगी होती है ना ही मौत। और तो और, एक डायन को अपनी मौत से पहले कम से कम 4 से 5 शिष्यों को बनाना पड़ता है और अगर वो ऐसा ना करे तो वो एक भूत होता है जो उसे मरने के बाद भी परेशान करता रहता है। वो भूत महाशक्तिशाली होता है और डायनों को हर वक्त मारता पीटता रहता है। इसीलिए डायनों की नजर हर वक्त समाज में अलग थलग रहने वाली औरतों के ऊपर बनी रहती है और खास करके उन औरतों पर जो ज्यादा गुस्सा करती हैं और दूसरों से जलती है। ऐसी औरतें बहुत ही आसानी से इन डायनों के जाल में फंस जाती है और डायन ऐसी औरतों को अपना शिष्य बना लेती है, जिसके बाद उस औरत को अपने वश में करके 4 या 5 मंत्र सिखा देती है, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी खत्म नहीं होती शक्ति। जानकारों की माने जब तक एक औरत डायन बन जाती है तो उसकी शक्तियों का कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही वह औरत वापस से सामान्य जिंदगी जीने लगे। इन लोगों के मन में हमेशा जलन और नफरत की भावना भरी रहती है। यही वजह है कि समाज के लोग ऐसी औरतों से डरते हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि डायनों की उम्र बहुत ही अधिक लंबी होती है और इनकी मौत बहुत ही पीड़ादायक। इनके शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं और तो और, ये दूसरों की उम्र चुराकर और भी अधिक सालों तक जीवित रहती है। ऐसा कहा जाता है ये जितनी बूढ़ी होती हैं इनकी शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। डायन भगाने का तरीका। किसी औरत के लिए डायन बनना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल होता है अपने ऊपर से डायन के साय को भगाना। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा करना किसी छोटे मोटे तांत्रिक से असंभव होता है। ऐसा करने के लिए एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायनों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे एक भूत होता है जो हर वक्त उसके चारों तरफ मौजूद रहता है। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो अनेक सिद्धियां जानता हो, जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि और बंगलामुखी जैसी सिद्धियां, तो वो तांत्रिक ही डायनों और उसके प्रभाव को खत्म कर सकता है। दरअसल डायनों की जो शक्ति होती है वो माता काली की सेविका की शक्ति होती है। डायनों को हर सेकंड की खबर मिलती रहती है कि गांव या मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हर पल की खबर इनका भूत इन्हें देता रहता है। यही वजह है कि जिस परिवार में कोई डायन रहती है उसके परिवार वालों को कभी भी कोई परेशान नहीं कर पाता। उनके घर में हर चीज सुरक्षित रहती है और उनका कारोबार भी बहुत अच्छी तरह से चलता है। गलती से भी अगर कोई उसके परिवार वालों के ऊपर तंत्र का प्रयोग करता है तो उन डायनों को तुरंत पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग तंत्र और डायन विद्या जैसी चीजों की तरफ आकर्षित हों। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को आप तक पहुंचाना है। अत्यधिक शक्तिशाली। दरअसल डायन के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो एक पुराना तांत्रिक और हर तरह की सिद्धियों का मालिक ही डायनों को हरा सकता है, वरना साधारण इंसान तो डायन के एक वार में खत्म हो जाता है। डायनों की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि एक सेकंड में किसी को भी हार्ट अटैक या लकवा जैसी अनेक बीमारी ला सकती है। यकीन मानिए, इनकी शक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। डायन विद्या वाली औरतें या पुरुष सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुखी दे सकते हैं। अच्छे कर्म करना इनके बस की बात नहीं होती। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग मर्डर और खूनी किस्म के होते हैं ये लोग उनसे बहुत डरती है, क्योंकि इन्हें मरने का बहुत डर रहता है। डायनों की पहचान। अक्सर हम लोग सोचते हैं डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी, जैसा कि हम लोग टीवी और फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन डायन बहुत ही साधारण होती है। वो छोटी लड़की हो सकती है, नौकरी करने वाली हो सकती है या फिर हाउसवाइफ हो सकती है। वो बूढ़ी भी हो सकती है, काली या सुंदर भी हो सकती है, बिल्कुल एक आम इंसान जैसी होती है। बाहर से उसे और उसके चेहरे को देखकर उसे कोई पहचान नहीं सकता। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा डायन असल में होता क्या है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं डायन जैसी खतरनाक शक्तियों से छुटकारा कैसे पाएं, इनसे छुटकारा पाने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया जाता है, हमें कमेंट में बताइए। हम अपनी अगली वीडियो बहुत ही डिटेल में इसी टॉपिक पर बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती है। थैंक यू।